अक्सर हम काम को टालते रहते हैं और फिर उनका ढेर लग जाता है। ऐसे में कंफ्यूज होना, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन एक्सेट्रा बहुत नॉर्मल है। आज हम सीखेंगे कि कैसे हम ऐसे सिचुएशन से बच सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, एंटरप्रेन्योर्स गाइड में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए ईट दैट फ्रॉग बुक समरी लेकर आए हैं। इसे पढ़कर आप सीखेंगे कि कैसे किसी भी काम को कम टाइम में और बड़े आराम से किया जा सकता है। बहुत से काम हो तब भी आप कंफ्यूज हुए बिना उन्हें आराम से और टाइम पर कर पाएंगे। ईट दैट फ्रॉग आपको सुनने में अटपटा सा लगा होगा, पर यह एक मुहावरे की तरह है। यहाँ फ्रॉग का मतलब है ऐसा कोई भी काम जिसे आप टालते रहते हैं। जैसे फ्रॉग खाना मुश्किल है, वैसे ही वह काम भी आपके लिए मुश्किल है। इसलिए ऑथर कहते हैं ईट दैट फ्रॉग, यानी मुश्किल काम को कर लो। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि फ्रॉग खाना कैसे है, मतलब मुश्किल काम करना कैसे है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज हम एक ऐसी ऐप के बारे में बताने वाले हैं जिससे आप एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं, मतलब पैसा ही पैसा। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। ऑथर ने दो फैक्ट्स बताए हैं। फर्स्ट, अगर आपको फ्रॉग को खाना है तो जल्दी से खा ले। अगर उसकी तरफ देखते रहेंगे तो खाने का मन नहीं करेगा। ऐसे ही कोई भी काम करना है तो उसे जल्दी से कर ले, क्योंकि ज्यादा टाइम देंगे तो वो काम खिंचता चला जाएगा और उसे पूरा करना मुश्किल हो जाएगा। इससे फ्रस्ट्रेशन और टेंशन होना आम बात है। सेकंड, अगर दो फ्रॉग हैं तो जो गंदे वाला है उसे सबसे पहले खा लें, मतलब दो कामों में जो सबसे टफ है पहले उसे निपटा लें। अक्सर हम आसान काम पहले करते हैं और उनमें ज्यादा टाइम लगा देते हैं, जिससे मुश्किल काम के लिए टाइम या तो कम बचता है या फिर बिल्कुल ही नहीं बचता। क्या मिक्सर खराब पड़ा है और बहुत दिनों से ठीक करवाने की सोच रहे हैं लेकिन टाइम मिल नहीं पा रहा? बिजली का बिल भी देना है, या टीचर ने एक महीने से असाइनमेंट दे रखी है और अभी तक एक भी पेज नहीं लिखा है। हम में से हर कोई कभी ना कभी किसी ना किसी काम को टालता रहता है। इस तरह से वो काम लंबा खिंचता जाता है और टाइम से नहीं हो पाता। हम सब में प्रोक्रेस्टिनेशन, मतलब टाल मटोल करने की आदत होती है, और ये बुक हमें उस आदत से पीछा छुड़ाने में हेल्प करेगी। इससे हम हर काम जल्दी और टाइम से करना सीख लेंगे। इसके लिए ऑथर ने 21 रूल्स बताए हैं। फर्स्ट, सेट द टेबल। काम शुरू करने से पहले सोच विचार करें। कई बार हमारे पास बहुत से काम होते हैं, ऐसे में सबसे जरूरी काम सबसे पहले करें। अगर सब कुछ आप सोचते रहते हैं तो ऐसे ना करें, क्योंकि इससे दिमाग में क्लैरिटी नहीं कन्फ्यूजन बढ़ेगा। क्लैरिटी के लिए आप सारा कुछ पेपर पर लिख कर प्लान करें। इससे आपके जितने भी काम या गोल्स हैं वो सब साफ दिखने लगेंगे। ऐसे ही आप क्लैरिटी के साथ अपने गोल्स अचीव कर पाएंगे। सेकंड, प्लान एवरी डे इन एडवांस। हर दिन की प्लानिंग पहले से ही कर लें। कल का शेड्यूल आज ही बना लें। रोज सोने से पहले कल का प्लान रेडी होना चाहिए। इसके लिए आप लिस्ट बना सकते हैं। ऑथर कहते हैं आपको 3 लिस्ट बनानी चाहिए। फर्स्ट, मास्टर लिस्ट। जो भी आपको फ्यूचर में करना है वो सब इस लिस्ट में लिखते रहें। सेकंड, वीकली लिस्ट। जो भी इस हफ्ते करना है उसकी लिस्ट बना लें। थर्ड, मंथली लिस्ट। जो भी आपको इस महीने करना है उसकी लिस्ट बना लें। इससे आपको अपने काम की क्लैरिटी होगी और आप कोई भी काम भूलेंगे नहीं। आपकी प्रोडक्टिविटी भी कई गुना बढ़ जाएगी। थर्ड, अप्लाई द 80-20 रूल टू एवरीथिंग। सबसे पहले ये देख लें कि कौन से काम टॉप 20% में आते हैं, मतलब ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट काम है जो पहले करने हैं। उन 80% कामों में ना उलझे रहें जो अभी इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। काम में प्रायोरिटीज सेट होनी जरूरी है। इससे आपके इम्पोर्टेंट कामों को टाइम मिलेगा और वो टाइम से पूरे हो जाएंगे। मान लीजिए कल बिजली के बिल की लास्ट डेट है लेकिन आप घर का पेंट करने में बिजी हैं, तो सबसे पहले पेंटिंग रोक कर बिजली का बिल भरें। पेंटिंग तो बाद में भी हो जाएगी, लेकिन अगर बिल नहीं भरेंगे तो पेनल्टी लगेगी। इसी तरह से बाकी के भी जरूरी काम पहले खत्म कर लें। फोर्थ, कंसिडर द कॉन्सिक्वेंसेस। परिणामों के बारे में पहले ही सोच लें। मान लीजिए आपको टीचर ने टेस्ट दिया है लेकिन आप किसी गेम की प्रैक्टिस में बिजी हो जाते हैं। इससे हो सकता है कि आपके पास टाइम ना बचे और आप टेस्ट की तैयारी ना कर पाए, तो पहले ही इसके लिए रिजल्ट को सोच लें। टेस्ट में आपके मार्क्स कम आएंगे। गेम प्रैक्टिस या तो आप एक दिन बंद कर सकते हैं या टेस्ट के बाद थोड़ी सी कर सकते हैं।
इसलिए यह जरूर सोचें कि कौन सा काम है जिसे अगर समय पर न किया जाए तो नतीजे अच्छे नहीं होंगे। इससे आप उस काम को जल्दी करने की सोचेंगे। फिफ्थ, प्रैक्टिस क्रिएटिव प्रोक्रेस्टिनेशन। कुछ टालना है तो क्रिएटिव तरीके से टालें। जैसे अगर आपने कोई नोवेल लिखी है पर एडिटिंग करने का मन नहीं कर रहा तो उसे कुछ हफ्तों के लिए टाल दीजिए, ताकि इससे आपका दिमाग एकदम फ्रेश हो जाएगा। कुछ हफ्ते बाद जब आप दोबारा उस नोवेल पर काम करने लगेंगे तो आप बहुत ही फास्ट तरीके से उसे एडिट कर पाएंगे। आपको अपनी गलतियां साफ साफ दिखेंगी, आप नए इनपुट्स भी उसमें डाल पाएंगे। इसलिए अगर किसी काम को डिले करने से उसकी वैल्यू बढ़ रही है तो ही उसे टालें, लेकिन हमेशा के लिए नहीं, कोई डेट जरूर फिक्स कर लें। सिक्स, यूज द ABCDE मेथड कॉन्टिन्यूसली। ऑथर ने सब कामों को एक तरीके से निपटाने का जरिया दिया है जिसे वे ABCDE मेथड कहते हैं। मान लीजिए आपको दिन भर में 10 काम करने हैं, तो पहले सब कामों की लिस्ट बना लीजिए, फिर जो काम सबसे जरूरी है उनके आगे ए लिख दीजिए, जो काम थोड़े कम जरूरी हैं उन कामों के आगे बी लिख दीजिए और कम जरूरी कामों के आगे सी लिख दीजिए। ऐसा ही सब कामों के साथ करते जाइए। अब सबसे पहले वो काम करिए जिनके आगे ए लिखा है। जब ए वाले काम हो जाएं, फिर बी वाले काम करें। ऐसे ही लास्ट तक करते जाएं। इस मेथड से आपके सब काम कंप्लीट हो जाएंगे और कोई कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा। जैसे अगर आपको गाड़ी में पेट्रोल भरवाना है और सब्जी लानी है तो सबसे पहले ये देखना जरूरी है कि कहीं किसी को अर्जेंटली गाड़ी तो नहीं चाहिए। अगर हाँ तो वो काम कैटेगरी ए का हुआ, सबसे पहले आप उसे करिए, यानी पहले गाड़ी में पेट्रोल भरवाइए, सब्जी तो बाद में भी आ जाएगी। यह फॉर्मूला तब बहुत काम आता है जब आपको एक साथ बहुत से काम आ जाते हैं। कंपनी के मालिकों के बारे में सोचिए, उन्हें एक साथ इतने लोगों से डील करना पड़ता है, प्रोडक्शन, मैनेजमेंट, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स एक्सेट्रा। इतना काम होने के बाद भी कैसे मैनेज करते होंगे, वो भी इसी मेथड को यूज करते हैं। 7, फोकस ऑन की रिजल्ट एरियाज। किसी भी काम से आपको ज्यादा रिजल्ट चाहिए, आप उस पे ज्यादा ध्यान दीजिए। जैसे अगर आपको अपने YouTube चैनल पे ज्यादा ट्रैफिक चाहिए तो सबसे पहले आपको वीडियोस बनाने में ध्यान देना चाहिए, न कि कॉम्प्लिकेटेड SEO में। वीडियोस बनाते रहिए, कंटेंट अपलोड करते रहिए, रिजल्ट भी जरूर मिलेगा। 8, अप्लाई द लॉ ऑफ 3। लॉ ऑफ 3 कहता है कि आपको लाइफ की तीन जगह को संभालना होता है, फर्स्ट घर, सेकंड ऑफिस और थर्ड समाज। हर प्लेस के लिए टाइम बांट लीजिए। कुछ लोग टाइम मैनेजमेंट करना नहीं जानते, ऑफिस का काम घर ले जाते हैं। इससे आप फैमिली को टाइम नहीं दे पाओगे, बच्चों के साथ खेल नहीं पाओगे, पेरेंट्स से बात नहीं कर पाओगे और स्पाउस को भी टाइम नहीं दे पाओगे। समाज में आपके दोस्त, रिश्तेदार या पड़ोसी आते हैं, उनके लिए भी जरूर टाइम निकालें। तीनों के लिए टाइम का बैलेंस बनाना जरूरी है, किसी को भी छोड़ नहीं सकते। थैंक यू गाइज, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को इमीडिएटली लाइक और कमेंट भी कर दें। जल्दी मिलेंगे और भी बेहतर वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।